आई यूज टू लाइक लिटरली हैव सीन्स लाइक हैपनिंग इन, जैसे मैं घर पे अकेले ना तो मैं सोचती थी हाँ हाँ इसने मुझे ये कहा पर मैं तुम्हारी हूँ, हाँ ऐसे सब करती थी मैं. डोंट थिंक आई एम क्रेजी बट मेरे फैंस मेरे को प्रपोज नहीं करते पर मैं DMs नहीं खोलती क्योंकि वो बहुत भयंकर भयंकर होते हैं. सो जो एक डायरेक्ट मैसेजेस का सेक्शन आता है जो विच आई डोंट ओपन एट ऑल. आई हैड अ क्रश ऑन सम बॉय इन द स्कूल एंड तब ऑब्वियसली लाइक ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड. सो हाई दिस इज मीरा देवस्थले एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन देसी फीड. सिक्स सेवन स्टैंडर्ड में होगा, स्कूल के किसी लड़के ने किया होगा. दोनों चीजें, पहले मूवी देन कम बैक होम एंड हैव डिनर एट होम. आई हैड अ क्रश ऑन सम बॉय इन द स्कूल एंड तब ऑब्वियसली लाइक ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड. सो First, Zac Efron. Date on beach or mountain? Beach, definitely. मैं अभी mountains घूम के आई. Not happening. First time you felt you are in love? Fourth standard था. I have been too much into TV. तो उस time पे जिस type का romance दिखाते थे तो अपन सब like all the K series I used to watch and ऐसा लगता था. तो there were 2-3 boys in my class तो I used to like literally have scenes like happening in, ऐसे मैं घर पे अकेले ना तो मैं सोचती थी हाँ हाँ इसने मुझे ये कहा पर मैं तुम्हारी हूँ, हाँ ऐसे सब करती थी मैं. don't think I'm crazy but yeah. Most romantic that I love, yeah. The Notebook. Also one thing you have always been nervous to ask to your close ones. मैंने कभी किसी से पैसे नहीं मांगे तो शायद वो होगा अगर भगवान ना करे. पर अगर ऐसा कभी हुआ कि मुझे किसी से मांगने पड़े तो देन शायद मेरे उसमें मुझे ऐसा होगा कि इट्स ऑल अबाउट लव. ओके, व्हेन यू आर यू नो स्टेबल विद दैट पर्सन फॉर यू नो अ टाइम पीरियड, यू थिंक दैट यूव seen all their sides and you know there's peace, you know, between the two of you, there's a lot of calmness, there's a lot of kya bolte hain usko ki dil mein shanti hoti hai, dil khush hota hai, tab lagta hai ki bas pyar hi pyar. Any memory of a crazy proposal or crazy thing done by a fan? नहीं, मेरे फैंस मेरे को प्रपोज नहीं करते पर मैं DMs नहीं खोलती क्योंकि वो बहुत भयंकर भयंकर होते हैं. सो जो एक डायरेक्ट मैसेजेस का सेक्शन आता है जो विच आई डोंट ओपन एट ऑल, इन दैट देयर इज अ लॉट ऑफ क्रेजी थिंग्स. या ओके, लास्टली एनी मैसेज टू योर फैंस? आई होप कि आपको मेरी लव लाइफ के बारे में जान के मजा आया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड आई होप यू हैड फन.